हेलो भाई, आज हम बात करेंगे न्यूमन क्लेचर के बारे में, बेसिक न्यूमन क्लेचर के बारे में। तो हमने अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात की कि कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, के बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के तरीके कौन कौन से हमारे पास। तो आज हम बात करते हैं आई बेसिक नेमिंग के बारे में। तो अगर हम जेन्युइन सी बात करें, सिंपल तरीके में बात करें, तो हमारे पास चार रूल हैं। इन चार रूल के अंदर कोई आई बेसिक नेमिंग खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले देखें क्या पहला रूल क्या है। तो नेम ऑफ सब्सिक्वेंट पोजीशन इन प्रोबेबिलिटी ऑर्डर, जो सब्सिक्वेंट है हमारा, जैसे हेलोजन हुआ या कोई वैसा फंक्शन ग्रुप हुआ, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे फंक्शन ग्रुप हैं, सबसे पहले में लिखेंगे। उसके बाद वर्ड रूट ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, चेन के अंदर कितने कार्बन है उन्हें लिखेंगे। उसके बाद प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हमारे पास क्या होता है, डाई अगर दो, ट्राई तीन, टेट्रा चार। उसके बाद सफिक्स, जो एंड में लिखते हैं, जिसका फंक्शन ग्रुप मतलब प्रायोरिटी जिसके आई है उसे बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अब एक तरीके से देखते हैं इनपेशन नेमिंग, आईपीसी नेमिंग के रूल क्या है। तो आगे देखेंगे आईपीसी नेमिंग के रूल के बारे में। अब आईपीसी नेमिंग के सबसे पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है सबसे पहले से चूज करेंगे। दूसरा रूल है स्टार्ट नंबरिंग द कार्बन चेन इन फ्लोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, अगर फंक्शन ग्रुप आता सबसे पहले उसे, उसके पास एल्केन, अगर डबल बॉन्ड हुए फिर ट्रिपल बॉन्ड, या फिर सब्सिट्यूएंट हमारे पास जैसे हेलोजन हुआ कोई भी, या एल्काइन एलाइल ग्रुप हुआ, या नाइट्रो, या एचसीएल हुआ, जैसे कोई भी हुआ, तो उसके हिसाब से हम सब्सिट्यूएंट करेंगे कार्बन चेन के अंदर। तो ये दूसरा रूल है हमारे पास। तीसरा रूल देखते हैं, तो ऐसे फंक्शन ग्रुप है हमारे पास, सबसे पहले अगर कहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद एसिड एस्टर, उसके बाद कार्बोक्सिनेट्राइल सी एन, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल या एमीन्स कहीं भी हुआ, तो ऐसे प्रायोरिटी देंगे फंक्शन ग्रुप को। तो उसके बाद पहला एग्जाम्पल देखते हैं, कोई एग्जाम्पल दे देखें। हम क्या करेंगे हम कि नंबर ऑफ कार्बन चेन गिने कितने हैं, तो पहला देखते हैं नंबर डालते हैं इस पर, एक दो तीन चार, तो चार कार्बन है हमारे पास। तो हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, लॉन्गेस्ट चेन देखिए सिंपल बिल्कुल चेन है, एक दो तीन चार पाँच चार, तो चार हमारे पास कार्बन है। तो लिखेंगे चार के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, तो उसे नॉर्मल लिखेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। अब हमारे पास कोई फंक्शन ग्रुप हुआ था, मान लो मैंने यहाँ पर अल्कोहल लगा दिया, ठीक है, तो सबसे अब कार अब चेन इधर शुरू होगी, एक दो तीन चार, तो पहले पे लिखेंगे ब्यूटेन वन ओल, तो ऐसे लिखेंगे। अगर कहीं फंक्शन ग्रुप हुआ, अगर कहीं डबल बॉन्ड हुआ तो डबल बॉन्ड डाल देंगे, ट्रिपल बॉन्ड हुआ ट्रिपल बॉन्ड, या कहीं वो तो कुछ और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे ये हैं क्लोरीन CH2 ब्रोमीन, तो हमसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन है, चेन के अंदर है एक दो तीन चार, तो चार कार्बन है हमारे पास। अब हमें देंगे प्रायोरिटी, कौन से कार्बन को पहले प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव हो तो पहले इधर से शुरू होगा, एक दो तीन चार, तो यह प्रायोरिटी दे दी हमने। तो सबसे पहले लिखेंगे पहले ब्रोमो, चौथे पर क्लोरो, अब चेन के कितने कार्बन है चार, तो ब्यूटेन, तो ये हो गया सिंपल नेम। अब देखते हैं इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेम है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, तो यहाँ पर कोई ग्रुप आ गया, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी से दी जाएगी। उसके बाद दूसरा ग्रुप हमारे पास ये है कीटोनिक ग्रुप, तो चेन नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, पहला एक दो तीन चार पाँच छः, तो हमारे पास छः कार्बन की चेन है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ऑक्सो ग्रुप कौन से पर लगा हुआ है, तो पांच जो है ऑक्सो, कार्बन कितने की छः की हेक्स, पहले पर कौन है ओइक, वन ओइक एसिड, तो ये होगी नेमिंग ऐसे। तो ऐसे हम नेमिंग करेंगे, तो कल कुछ और एग्जांपल करेंगे। तो ये थी आई पी एस नेमिंग। और एक और चीज़ आएगी हमारे पास कल, स्पेशल नेमिंग जो करते हैं
तो करेंगे का, उसके बाद हम करेंगे बेंजीन की नेमिंग कैसे करते हैं। तो ये थी नोमेनक्लेचर की थोड़ी शुरुआत, तो कल हम बात करेंगे बेंजीन की नेमिंग के बारे में। थैंक यू।